18 अप्रैल से लगातार ये पूजन चल रहा है। धरती के कोने की एक एक कण रज की उसमें लगी है। 2500 से अधिक स्थानों से लोगों ने रज ला करके यहाँ प्रदान किए। सोमनाथ का जल है, पुरी का जल है, रामेश्वरम का जल है। 2000 स्थानों से अधिक जगह का जल यहाँ पर आया। एक एक कण रज का और एक एक बूंद जल की यह मंदिर निर्माण में प्रयोग होगी। वैदिक विद्वानों की जो सलाह होगी, जो उनकी योजना होगी, उसके अनुरूप। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। इस वक्त हम अयोध्या के भरत कुटीर में, उस भरत कुटीर में जहां पर देश दुनिया से नदियों का जल लाया गया है और जहां पे पवित्र मिट्टी आकर के रखी हुई है जिसका इस्तेमाल भूमि पूजन के दौरान होना है। एक अर्चक पूजा हुई, इस पूजा के क्या महत्व है, ये पूजा क्यों होती है और इस पूजा के लिए कहां कहां से लोग आए थे, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी से हम जानेंगे कि आज की जो पूजा होती है वो उसका महत्व क्या है। देखिए, पूजन 25 मार्च को जब भगवान का स्थानांतरण नए स्थान पर हुआ था, इसके बाद लॉकडाउन हो गया। 18 अप्रैल से लगातार ये पूजन चल रहा है और आज 108वां दिन है। विभिन्न स्तोत्रों का पाठ करके पूजन हुआ है, फिर हवन भी हुआ, यह क्रम लगातार चल रहा है। लेकिन आज गणेश, आज रामार्चा का कार्यक्रम है, राम के का पूजन का कार्यक्रम है, फिर वास्तु के पूजन का कार्यक्रम है और शिला संस्कार का काम है, जो कल के पूजन में जिसका उपयोग होना है। 3 दिन से क्रम चल रहा है। आज सवेरे प्रातःकाल 8 बजे हनुमान जी अयोध्या के अधिष्ठाता देवता हैं, उनके निशान का पूजन करने का काम किया गया। ये जो राम अर्चक पूजा की बात कही जाती है, इसमें किसकी किसकी पूजा से? राम 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 अर्चक यानी राम की अर्चना करना, राम का आवाहन कर, हाँ, उसका एक बड़ा विधिमान पूजन, तो पूरा लंबा पूजन चला। और वास्तु शांति, हर जब हम कोई नया निर्माण करते हैं तो उसके लिए वास्तु शांति और वास्तु पूजन का काम होता है। और शिला जो कल कार्य आरंभ के समय होगा तो ऐसी शिलाओं के संस्कार पहले यानी इनको अभिमंत्रित करके संस्कार किया जाता है, बाद में उसका प्रयोग। आज हो गया, शेष कार्य आरंभ करने का काम कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे उनकी जी। और ये जो बाहर से पूजा होती है, ये हमने मंगाया था। श्री राम जन्मचरित चित्र ने ये कहा था कि देश के कोने कोने से, विश्व हिंदू परिषद ने भी इसमें बड़ा प्रयास किया है, देश के कोने कोने से भारत का रहने वाला हर व्यक्ति ये महसूस करे कि श्री राम मंदिर के निर्माण में उसका कुछ ना कुछ लगा है, किसी का पैसा लगा है, किसी को कुछ और देगा, लेकिन धरती के कोने की एक एक कण रज की उसमें लगी है, एक एक बूंद जल की लगी है, सारे पवित्र सरोवरों की, जो सारे ऐतिहासिक स्थानों की रज और जल की बूंद उसमें लगी है। यह भावना विकसित होगी तो पूरा देश एक सूत्र में बंधने का काम करेगा। और मैं आपको बता सकता हूँ कि लगभग 2500 से अधिक स्थानों से लोगों ने रज ला करके यहाँ प्रदान किए। कुछ लोग प्रत्यक्ष लेकर के आए, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कोरियर और डाक के द्वारा ये हमको चीजें भेजी हैं। सभी ऐतिहासिक स्थल, शिवाजी के 52 दुर्गों की मिट्टी इसमें है, झांसी के रानी की दुर्ग की मिट्टी इसमें है, चित्तौड़गढ़ की मिट्टी इसमें है, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान के स्थान की मिट्टी इसमें है, इसमें अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के सरोवर का पवित्र जल है, वहाँ की रज है, वैष्णो देवी की रज है, सरयू का जल है, गंगा यमुना का जल है, सरस्वती के उद्गम स्थल का जल है, दक्षिण में कृष्णा कैवेरी का जल है, भारत के चारों ओर बसने वाला जो फैला हुआ समुद्र है, समुद्र तक सोमनाथ का जल है, पुरी का जल है, रामेश्वरम का जल है, हर समुद्र के किनारे का। तो ऐसे लगभग 2000 स्थानों से अधिक जगह का जल यहाँ पर आया। कल से प्रारंभ करके मंदिर निर्माण तक मैं आश्वस्त ये कर सकता हूँ, जिन्होंने भी जल और रज भेजा है, कि इसकी एक एक कण रज का और एक एक बूंद जल की यह मंदिर निर्माण में प्रयोग होगी। वैदिक विद्वानों की जो सलाह होगी, जो उनकी योजना होगी, उसके अनुरूप। एक चीज जाना चाहता हूँ, जब हम लोग कल दिल्ली निकल रहे थे यहाँ के लिए, तो हमारे कई साथियों ने कहा कि आप अयोध्या जा रहे हैं, हम लोग तो नहीं आ पा रहे हैं, आप हमारी एक ईंट रख दीजिएगा या आप हमारा जल चढ़ा दीजिएगा या आप हमारा मिट्टी रख दीजिएगा, क्या इसकी कोई व्यवस्था है कि जो बाहर के लोग जो चाहते हैं कि मंदिर निर्माण उनका किसी भी तरीके का सहयोग हो सके, वो कैसे? बाहर के लोगों ने कोरियर डाक से भेजा, कुछ लोगों ने, जैसे आप आ रहे थे, उनको शायद मस्तिष्क में नहीं आई हुई बात, वो आपको रज उठा करके उसमें आपको रख के दे देते, आप यहाँ उनको देते, हम आपको स्वीकार कर लेते, वो आगे भी आकर देंगे तो स्वीकार होगी, यह क्रम आगे भी चलने वाला है, भविष्य में कोई भी आगे देना चाहे तो ला कर दे सकते।
भविष्य में कोई भी दल देना चाहे, व्यक्ति देना चाहे, लोग लाइन है, लाइन है, अभी न जाने कितने लोग रास्ते में होंगे, क्योंकि मार्ग में कुछ बाधाएं आ गई हैं कोविड के कारण। बाकी और मेरा यह कहना है कि अगर कोविड महामारी का यह गुना होता तो आज अयोध्या का स्वरूप चाहे कुछ और होता, लाखों करोड़ों लोग आज अयोध्या में होते, लेकिन जैसी परिस्थिति है उसके अनुरूप जो भी परिस्थिति बन पड़ी है शीघ्र मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो, इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं। ये थे प्रकाश शर्मा जी जो हमें बता रहे थे कि राम अर्चना कैसे होती है और यहाँ से किस किस का कहाँ कहाँ की मिट्टी लाई गई है, कहाँ कहाँ से जल लाया गया है। और इससे एक बात साफ है कि भले ही ये कार्यक्रम धार्मिक है, धर्म का कार्यक्रम है, राम की प्रतिष्ठापना होनी है, आधारशिला पूजन होना है, लेकिन इन तमाम जगहों की मिट्टी वहाँ की भी मिट्टी लाई गई है और वहाँ का भी जल लाया गया है जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है। ABP News, आपको रखे आगे।